पार्टीशन ऑफ स्टेट। तो पार्टीशन ऑफ स्टेट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पार्टीशन ऑफ स्टेट नाम का टॉपिक है, इस टॉपिक का बहुत ही वाइड एरिया होता है मैथमेटिक्स में। तो पार्टीशन ऑफ स्टेट्स को हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखते हैं ये पार्टीशन ऑफ स्टेट होता क्यों है, क्योंकि कभी भी हम लोग कहीं डिफिनेशंस पढ़ते हैं तो अधिकांश जगह पार्टीशन वर्ड आ जाते हैं और हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि ये पार्टीशन होता क्या है। तो हम लोग उस डिफिनेशंस को भी और डिफिनेशन के भांति डायरेक्ट रट लेते हैं या फिर डायरेक्ट उसको किसी तरह माइंड में सेट कर लेते हैं, लेकिन हम ये समझने का कोशिश नहीं करते हैं कि ये डिफिनेशंस क्या बतलाना चाह रहा है। तो उसके लिए हमें पार्टीशन को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए आज हम लोग इस टर्म पार्टीशन को बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण वैसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल का मदद लेते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने मान लिया कि मैं एक सेट है और ये सेट जो है कंटेन करता है एलिमेंट ए बी सी डी और ई का। अब हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ सबसेट्स बनाते हैं, कुछ सबसेट बनाते हैं सेट ए का। मान लेते हैं इसका सबसेट मेरे पास ए वन है, जिसके पास एलिमेंट ए और बी है। दूसरा सबसेट भी हमको मानना पड़ता है, तो हम लोग मान लेते हैं दूसरा सबसेट इसका ए टू है, जिसके पास एलिमेंट्स सी और डी है। एक हम मान लेते हैं तीसरा सबसेट, जिसके पास एलिमेंट ई है। अब हम लोगों ने यहां पे पाया कि यदि हम ए वन इंटरसेक्शन ए टू निकालें तो एलिमेंट्स जो होंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा, तो ए वन इंटरसेक्शन ए टू हमें एम्प्टी मिला। यदि हम ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री निकालें तो हमने पाया कि इस केस में भी ये एम्प्टी सेट बना। यदि हम ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री निकालें तो हमने पाया कि यह भी एम्प्टी हुआ। तो इस तरह से जब हमने ए वन ए टू और ए थ्री में से इंटरसेक्शंस निकालने की कोशिश किया तो हमने पाया प्रत्येक केस में हमारा इंटरसेक्शन एम्प्टी बनता है। इसका मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे ए वन ए टू और ए थ्री आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट्स है। A1, A2 और A3 आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, ये इनके पास एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम यहां पे यूनियन करने का कोशिश करेंगे। तो यूनियन करते हैं तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, सारे के सारे सेट्स को लेके हमने यूनियन बनाया। तो जब हमने यूनियन बनाया तो हमें मिलेगा A B C D और E, इस तरह का एक सेट मिलेगा और दिस इक्वल टू हमें सेट A मिल जाएगा, क्योंकि सेट A का भी एलिमेंट्स A B C D और E है और हम जब यूनियन करेंगे तो A B C D E आएगा। यूनियन के मतलब हम लोग जानते हैं, सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सारे एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाना रहता है। तो मेरे पास यहाँ पे ए बी था, सी डी और ई था, ए बी सी डी और ई से एक सेट बना दिए जो ए यूनियन बी सॉरी ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री का एक सेट बना, जो इक्वल हो गया सेट ए के पास। तो हम लोगों ने पाया यहाँ पे ए वन ए टू और ए थ्री जो सबसेट है सेट ए का, ये तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है। अगर हम इन तीनों का यूनियन कर देते हैं तो सेट ए के बराबर होता है। अगर इस ऐसा ही प्रॉपर्टी सबसेट फॉलो करता है तो वैसे सबसेट को कहा जाता है पार्टीशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं
A1, A2 और A3 क्या है? पार्टीशंस हैं। यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हियर हम लोग कह सकते हैं A1, A2, A3 आर पार्टीशन पार्टीशन ऑफ ए। हम लोग कह सकते हैं A1, A2 और A3 जो है पार्टीशन है किसका, तो सेट ए का है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से एक एग्जाम्पल की बात था। यहाँ पे टर्म्स पार्टीशन है, पार्टीशंस का अब आप लोग बारे में समझ गए होंगे। पार्टीशंस मतलब होता है सेट को हम लोगों को तोड़ना रहता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ा में बांटना रहता है। पार्टीशंस जैसा नाम से ही क्लियर है, पार्ट करना यानी छोटे छोटे भागों में बांटना। और इस तरह से बांटिए दिए हुए सेट को कि प्रत्येक टुकड़ा में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना मिले, और जब सारे टुकड़े को हम जोड़ दें यानी यूनियन कर दें, तो यूनियन कर देने से हमें कंप्लीट सेट मिल जाए। तो वैसे केस को हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। ये हमारा था एक एग्जाम्पल्स के मदद से समझने का तरीका। अगर हम डिफिनेशंस की बात करें, तो इसका डिफिनेशंस में हम लोग लिखेंगे द सबसेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर सेड टू बी पार्टीशन ऑफ सेट ए इफ A1 A2, A3 डॉट 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 AN आर म्यूचुअली डिसजॉइंट दैट इज AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू फाइव such that I is not equal to J. Second condition, A1 union A2 union A3 union AN is equal to set A. That is union of I इज इक्वल टू वन अप टू एन AI इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा डिफिनेशंस है। डिफिनेशंस में भी हम लोगों ने लिखा द सबसेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर सेट टू बी पार्टीशन ऑफ सेट ए। हम लोग इन सबसेट को पार्टीशंस कह सकते हैं इफ यदि ऐसा देखने को मिले A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी इन लोगों का अगर हम इंटरसेक्शंस निकाले तो हमें इम्पेटी सेट मिलना चाहिए, जो कि दैट इज में हमने लिख दिया। हाँ, यहाँ पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आई और जे बराबर हो जाएगा तो हमें इम्पेटी सेट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई और जे को सेपरेट रखते हैं। यानी दो अलग अलग से सबसेट्स का अगर इंटरसेक्शंस करते हैं तो हम लोगों को एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलता है, कहने का अर्थ इम्पेटी सेट मिलता है। अगर सेकेंड की बात करें, तो सेकेंड में हम लोगों ने पाया यदि हम यूनियन कर देते हैं तो यूनियन कर देने से हमें सेट ए मिल जाना चाहिए। सेट ए मिल जाता है तो हम इसे कह सकते हैं ये A1, A2, A3, R जो है सारे के सारे पार्टीशन है सेट ए का। तो ये हमारा पार्टीशंस था। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा पार्टीशंस क्या है। फिर से समझिए, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, पार्टीशंस है टुकड़ा है, किसी भी सेट को इस तरह से हम लोगों को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब सबसेट बन जाएगा, तो इस तरह से सबसेट्स बनाना है कि सारे के सारे सबसेट्स आपस में डिसजॉइंट हो, कहने का अर्थ इंटरसेक्शन निकाले तो इम्पेटी सेट मिले। और अगर हम सारे सबसेट्स को यूनियन कर दें तो हमें सेट ए के बराबर
मेल जाना चाहिए, तो हम इसे कह सकते हैं पार्टीशंस। अगर आप ग्राफिकल मेजर से देख सकते हैं तो मान लीजिए ये हमारे लिए कोई एक, ये हमारा एक रोड है। अगर इसको हम लोग पार्टीशंस करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ेंगे। तो इस तरह से मान लीजिए टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दिए, तो ये सब सारे के सारे टुकड़े क्या कहलाएंगे, पार्टीशंस कहलाएंगे, क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा के पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे और सारे टुकड़ा को जोड़ देंगे तो ये फिर से हमारे रोड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सारे के सारे टुकड़ा क्या कहलाएंगे, इस रोड के लिए पार्टीशंस कहलाएंगे। तो चलिए आप लोगों को पार्टीशंस समझ में आ गया होगा।